हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत दुपट्टा डिज़ाइन, जिसको मैंने एक प्लेन रेयॉन सिल्क के ऊपर ट्राई किया है। आप अपने कोई भी प्लेन दुपट्टा के ऊपर इस डिज़ाइन को कर सकते हैं। बहुत आसान है, बट ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑल ओवर इसमें वर्क है, क्योंकि इस साइड पर और इस साइड पर दोनों साइड पर वर्क है। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी टाइम की तो ज़रूरत है, बट बहुत खूबसूरत है। और अगर आपको मेरी इस ब्यूटीफुल नेक लाइन डिज़ाइन को पसंद है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 मीटर का रेयॉन का कपड़ा लिया है दुपट्टा के लिए, और कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल की फैब्रिक कलर, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि कलर एक बार मैं अच्छे से दिखाऊँ बोतल कैमरे के आगे, तो इसलिए मैंने आज कलर दिखा रही हूँ, कलर की बोतल। और ये है फेविक्रिल की फैब्रिक कलर, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ये स्टेशनरी शॉप पर उतना नहीं मिलता है। अब ये बॉर्डर के लिए यहाँ पेंसिल से मार्क कर रही हूँ। मैंने यहाँ कोई ट्रेसिंग पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ, और पेंसिल से भी कोई आउटलाइन नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो आउटलाइन करके भी कर सकते हैं। और ब्रश के लिए रही फ्लैट ब्रश। एक फ्लावर में मैं 5 पत्ती बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़ी पत्ती बना रही हैं तो 4 से भी हो जाएगी। आप 6 भी बना सकते हैं, अगर आप फ्लैट ब्रश थोड़ी छोटी यूज़ करते हैं, आई मीन 6 नंबर की फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं, तो आप 6 पत्ती आपको हो जाएगी। इस तरीके से बॉर्डर के एकदम लंबाई तक रेड कलर से पहले हमें सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेना है। बहुत आसान है, और क्योंकि दुपट्टा बहुत लॉन्ग होता है, और इसलिए टाइम आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट ये बहुत कलरफुल है, बहुत सुंदर है। और देखिए, ये एकदम यूनिक है, ये किसी के पास भी नहीं होगा, सिर्फ आपके पास ही होगा, ये तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे मार्केट में आप ख़रीदने जाते तो सेम डिज़ाइन की सबके पास होता है, बट ये चीज़ एकदम यूनिक है। आप कॉटन के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, या जो एकदम पतले जो दुपट्टा होता है पतले करके, वो भी उसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर पार्ल मेटालिक कलर से कीजिए, ग्लिटरी शाइन है, बहुत खूबसूरत है। और इसके ऊपर हमें और सेम फ्लावर सेम प्रोसीड्यूर से बनानी है, बस इसकी कलर हमें अलग लेना है। कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अल्ट्रा मेरिन ब्लू फैब्रिक कलर। सेम बॉटल और एक्रेलिक कलर्स के भी होते हैं, जो मार्केट में ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाएगी, बट ये कलर उतना आसानी से नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रही हूँ, शायद आपको मिल जाए। ये अल्ट्रामेरिन कलर एक्रेलिक कलर में जो होता है अल्ट्रामेरिन कलर, उसमें कलर थोड़ी सी छूटती है वॉश के टाइम, ये मैंने नोटिस किया है, बट इसमें आई थिंक नहीं होना चाहिए, बट मैंने वॉश नहीं किया है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने वॉश नहीं किया है अभी तक इस कलर को पेंट करने के बाद, बट आई थिंक नहीं छूटेगी कलर। अब यहाँ छोटे छोटे फ्लावर आप कर सकते हैं, ये मैंने डीप ग्रीन पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। आप सेम कलर से भी यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर या अल्ट्रामेरिन ब्लू कलर से। ऐसे सारे छोटे छोटे फ्लावर्स तो बन गई एक लाइन पे। अब हमें इसके देखिए ऐसे ब्रांचेस करना है। ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा लंबा लंबा ऐसे मत कीजिए, ऐसे छोटी छोटी रख दीजिए, ऐसे। ये सैप ग्रीन कलर, ये कलर मुझे बहुत पसंद है नॉर्मल ग्रीन कलर से ज़्यादा। इसको आप एक्चुअली ऑलिव ग्रीन कलर भी बोल सकते हैं। कलर को हमेशा एक प्लेट में लेके कलर करेंगे तो क्या होगा, बोतल के अंदर जो कलर है वो ड्राई नहीं होगी। बोतल से हम लोग कलर करते हैं तो क्या होता है, कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। ऐसे लीव्स की पेंटिंग भी करना है, देखिए कितना आसान है। ये सारे पेंटिंग आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप राउंड ब्रश से यूज़ तो नहीं, आप पहली बार पेंट करते हैं,
तब हम लोग क्या है, राउंडर से हम लोग ऑलमोस्ट सभी कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें काम करना बहुत आसान होता है। बट फ्लैट ब्रश में क्या होता है, एक बार में ही कलर इसके अंदर सील हो जाती है और बहुत जल्दी होती है। राउंड ब्रश में आपको पहले आउटलाइन कीजिए, उसके अंदर कलर फिल कीजिए, टाइम लगती है, पर जो पहली बार करते हैं उनके लिए तो आसान होगा ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी अगर आपको दुपट्टा के ऊपर डिज़ाइन को देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अलग से प्लेलिस्ट है दुपट्टा डिज़ाइन के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। आलू से भी आप दुपट्टा डिज़ाइन कर सकते हैं, आलू से बहुत सारे डिज़ाइन है, जैसे वॉली पेंटिंग भी आप आलू से कर सकते हैं। उस दुपट्टा को आप सबने बहुत पसंद किया था, पसंद की थी। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है तो आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर अलग से लिंक है। আর যদি তোমরা বাঙালি হও, আমিও বাঙালি, আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, আমিও বাংলাতেই তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের আমি উত্তর দেব। আর যদি আমি সারাদিন আমি কি করি সেগুলো দেখতে চাও, তো এর জন্য আমার ব্লগের চ্যানেল দেখতে পারো, এটারও ভিডিওর ব্লগের ভিডিওরও আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশনে, চ্যানেলটার লিঙ্ক। আর এই ফ্লাওয়ারকে অন্দর ছোটি ছোটি হোয়াইট কালার সে ডট করনা হে দেখিয়ে আছে। मैं बड़ी फ्लावर के अंदर कोई डॉट या कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एक साइड के बॉर्डर मतलब कंप्लीट कर लिया है, और इसके अंदर यहाँ एक फ्लावर देखिए बनाऊंगी तब आपको समझ आएगी। यहाँ ऐसे एक फ्लावर को बना रही हूँ क्योंकि अंदर ज़्यादा गैप अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए है ना बहुत खूबसूरत। अपने दुपट्टा के ऊपर इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए इस डिज़ाइन आपको कैसी लगी और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं, ये भी मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड का बेल आइकन और फ्यूचर नोटिफिकेशन। और इस हैंड पेंटेड ऐसे डिज़ाइन को कैसे मेंटेन करना है इसकी लिंक भी, इसके लिए दो वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बहुत हेल्प होगा आपके लिए इसको कैसे मेंटेन करें ताकि कलर कभी ना छूटे, ऐसे ही रहे कलर। बहुत पुरानी है दो वीडियो, मैं सोच रही रिसेंट इस वीडियो इस टाइप की कोई वीडियो बनाऊं, तो बनाऊंगी तो आप सबको पता तो चल ही जाएगा। और ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी कोई यूज़फुल और आसान वीडियो के साथ। Take care. See you soon. और मैं एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम है, तो बीच में मैं नहीं दिख। तो अभी आप देख सकते हैं ये है आफ्टर कंप्लीट, है ना बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।